दोस्तों, पक्षी भी हमारी प्रकृति का एक अहम हिस्सा है। ताजा रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 11,000 से अधिक वर्ड स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है, जिनमें से हर प्रजाति अपनी एक खास पहचान रखती है। वैसे तो हर पक्षी अपने आप में खूबसूरत और अनोखा होता है, लेकिन आज हम आपके लिए 5 ऐसे पक्षियों को चुनकर लाए हैं जिन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों की लिस्ट में जगह दी गई है। यकीनन इन खूबसूरत पक्षियों को देखकर आप इनकी सुंदरता के कायल हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आपका स्वागत है इस मजेदार वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गोल्डन फैशन। इस खूबसूरत पक्षी को देखकर एक पल के लिए आपको भी धोखा हो गया होगा। कोई रियल बर्ड या फिर कोई पेंटिंग या पक्षी दोस्तों इतना आकर्षक और कलरफुल है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। यह प्रकृति का एक शानदार नमूना है। गोल्डन फिंच अपने अनोखे रंग और पंख के लिए दुनिया भर में फेमस है। इनका नाम नर पक्षी में पाए जाने वाले गोल्डन क्रिस की वजह से गोल्डन फैशन पड़ा है। गोल्डन फैशन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको कई अलग अलग रंग देखने को मिल जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे किसी रेनबो में देखने को मिलते हैं। इसे रेनबो फैशन फॉर चाइनीज फैशन के रूप में भी जाना जाता है। इस खूबसूरत पक्षी के शरीर में सबसे सुंदर और आकर्षक चीज इनकी पूंछ मानी जाती है। इनकी पूंछ काफी लंबी होती है जिसमें अलग अलग पैटर्न के डिजाइन बने होते हैं। मादा पक्षी नर की तुलना में ज्यादा कलरफुल होती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये गोल्डन फिंच अपना अधिकतर समय आसमान की बजाय जमीन पर बिताना पसंद करते हैं। इस पक्षी को पत्तियां, कीड़े और मकड़ियां आदि खाना पसंद होता है। वैसे तो ये पक्षी वेस्टर्न चाइना के जंगलों की शोभा होता है, लेकिन दुनिया भर में इनकी प्रकृति का अभाव भी मौजूद है। इंग्लैंड के स्कॉटलैंड और वेस्ट में इनकी काफी तादाद देखने को मिलती है। इनकी लंबाई लगभग 60 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। जब ये अपने पंख का फैलाव करते हैं 65 से 50 सेंटीमीटर जितने बड़े दिखाई देते हैं। इनका औसतन वजन 630 ग्राम होता है। गोल्डन फैशन का जीवन काल 5 साल से 6 साल तक होता है। नंबर 2, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो का नाम विश्व के सबसे खूबसूरत पक्षियों में लिया जाता है। कलर के मामले में यह पक्षी हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। लंबे पैर, ऊंची गर्दन और पिंक कलर इनकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए काफी है। जानकारी के लिए बता दें कि फ्लेमिंगो का ये रंग पैदाइशी नहीं होता, बल्कि यह उन्हें इनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से प्राप्त होता है। दरअसल यह पक्षी पिंक कलर के झींगे में पाए जाने वाली कैरोटीनॉइड से ग्रहण करते हैं। झींगे के अलावा फ्लेमिंगो एल्गी, स्लॉट्स और छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं। दुनिया भर में फ्लेमिंगो की 6 अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं और लगभग सभी प्रजातियां देखने में लाजवाब हैं। जब ये खूबसूरत पक्षी समूह में डांस करते हैं तो नज़ारा देखने लायक होता है। फ्लेमिंगो लंबे समय तक जीवित रहने वाले पक्षियों में से एक हैं। औसतन ये 20 से 30 साल तक जीवित रहते हैं, हालांकि कुछ 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 3, किल बिल टूकन। शायद ही आपने इस पक्षी को देखा होगा, क्योंकि ये खूबसूरत प्रजाति सदर्न मैक्सिको से कोलंबिया तक उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाई जाती है। इसे सिर्फ भ्रष्ट यूकेन बेल टूकन के रूप में भी जाना जाता है। यह पक्षी सबसे ज्यादा अपनी चोंच के लिए फेमस है। इसका लगभग पूरा शरीर काले रंग का होता है, लेकिन उस पर मल्टी कलर इसे दुनिया भर में खूबसूरत पक्षी का दर्जा दिलाते हैं। इनके पूंछ के नीचे का कुछ हिस्सा सफेद और लाल रंग का होता है। इनकी आंखों के आसपास ग्रीन कलर और चेहरा पीले रंग का होता है, जो कि इनके पैर नीले रंग के होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ये हद से ज्यादा खूबसूरती भी जान की दुश्मन बन जाती है। ऐसा ही कुछ मामला इस चंदा पक्षी के साथ भी है। रंग बिरंगी चोंच की वजह से कुछ लोग इनका शिकार कर लेते हैं। शरीर के मुकाबले इनकी चोंच काफी बड़ी होती है, जिसकी वजह से यह असाधारण नजर आता है। यह बेल्जियम का राष्ट्रीय पक्षी भी है। भारी पंखों की वजह से इस पक्षी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह केवल कूदकर पेड़ों की शाखाओं के बीच आ जा सकते हैं। नंबर 4, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपने कभी न कभी मोर तो जरूर देखा होगा। मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में भी स्थान प्राप्त है। वैसे तो मोर अपने आप में सुंदरता का जीता जागता उदाहरण है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके खूबसूरत टंग मोर के पंखों पर
बनी खूबसूरत आकृति को भी कुछ कम आकर्षित नहीं करते। मोर की गर्दन नीले रंग की होती है, जबकि इनके पंख भूरे रंग के होते हैं और उनके पंख न जाने कौन कौन सा ग्रीन कलर के शानदार कॉम्बिनेशन को दर्शाते हैं। बरसात के मौसम में जब मोर अपने सारे पंखों को खोलकर डांस करते हैं तो यह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लोगों में मोर के पंखों को लेकर इतनी दीवानगी है कि भैया काफी लोग इनके पंखों को अपने घरों में सजा कर रखते हैं। दुनिया भर में मोर के पंखों की इतनी डिमांड है, इसलिए मोर का काफी शिकार होता है। आपको बता दें कि धरती पर मोर की तीन तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं और तीनों ही देखने में लाजवाब होती हैं। सफेद रंग के मोर का अपना ही एक अलग रुतबा होता है। नंबर 5, अटलांटिक पफिन। आप इस खूबसूरत पक्षी पर भी नजर डाल लीजिए, जिसे अटलांटिक पफिन कहा जाता है। ये पक्षी इतना चार्मिंग है कि हर कोई इसकी ओर खुद ब खुद खींचा चला जाता है। यह आकर्षक दिखने वाला पक्षी अटलांटिक क्वेचर का मूल निवासी है, लेकिन इसके अलावा यह उत्तरी यूरोप और आर्कटिक सर्कल, न्यूफाउंडलैंड और मैने जैसी जगहों पर पाया जाता है। दरअसल इसकी चोंच पर एक रोज सेट होता है, जिसकी मदद से यह पक्षी अपनी चोंच को काफी बड़ा कर सकता है। इसे समुद्री मछलियां खाना खूब पसंद है और इसकी यह असाधारण सी चोंच जिससे मछलियों को पकड़ने में काफी मदद करती है। फिशिंग के मामले में इस खूबसूरत पक्षी का कोई जवाब नहीं है। बेशक साइज में ये पक्षी छोटा होता है, अगर शरीर की तुलना में बड़ी और मजबूत होती है। ये अपने झोपड़े और चूजों की मदद से एक साथ कई मछलियों को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। इसे कहते हैं भैया छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो दोस्तों ये थे 5 सबसे खूबसूरत पक्षी। दोस्तों वैसे इनमें से आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।